हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, लास्ट 9 to 10 ईयर से मैं ऑफलाइन क्लासरूम्स में पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है 2 पाई क्लासेस। वहां हजारों की संख्या में बच्चे हमसे ज्वाइन है। वहां सीनियर क्लासेस के वीडियोज अपलोड किए जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के, मीन्स 9 to 12 क्लास के। बच्चों, हमने सोचा क्यों ना मैथमेटिक्स का एक बहुत ही क्वालिटी कॉन्टेंट क्लास 8 के लिए प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, तो क्लास 8 मैथ 2 पाई क्लासेस पे आपको क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। अगर आप देखिए गार्जियन हैं, ऑनलाइन कंटेंट सर्च करके अपने बच्चे को घर पे पढ़ाते हैं, या आप एक फ्रेशर टीचर हैं, या आप क्लास 8 के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, या क्लास 8 का मैथमेटिक्स आपको सीखना है, आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बेसिक्स आपको क्लियर करने, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत ही क्वालिटी कॉन्टेंट क्लास 8 का मैथमेटिक्स का दिया जाता है। ठीक है, और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसका नाम है रैशनल नंबर। और लास्ट वीडियो में बच्चों हमने एनसीईआरटी में क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, जहां हमने देखा था कि अगर हम 2 होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या हमें होल नंबर मिलता है या नहीं मिलता है, 2 इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो क्या हमें इंटीजर मिलता है या नहीं मिलता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमने वहां पर डिस्कस करी थी। अगर आपको इसके पहले के वीडियोस चाहिए बच्चों, तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है, जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। ठीक है, वहाँ रीड मोड पे क्लिक करिए तो इस चैप्टर का लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक करोगे तो पार्ट 1 पार्ट 2 आपके मोबाइल में इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। देखिए, अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है 750, प्लीज़ बच्चों कॉल मत करिएगा। ठीक है, 7503644171, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करोगे। ठीक है, तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे। करेक्ट स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसके पहले का वीडियो आप देख लीजिएगा। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करिए स्टूडेंट्स, ठीक है, और पेज नंबर 5 पे कम्यूटेटिविटी। ओके, सो ये कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या होता है हम आपको समझाएंगे बच्चों। तो अब हमें चेक करना है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है या कम्यूटेटिविटी होल नंबर पे वैलिड है, नेचुरल नंबर पे वैलिड है, इंटीजर्स और रैशनल नंबर पे वैलिड है या नहीं वैलिड है, और अगर वैलिड है तो कौन कौन से ऑपरेशन पर वैलिड है, एडिशन पर, सब्ट्रैक्शन पर, मल्टीप्लिकेशन पर, डिवीजन पर, किस तरीके से वैलिड है। करेक्ट बच्चों, तो बात करते हैं सबसे पहले होल नंबर्स की। ठीक है, अब देखिए बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, ये बात आइए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आपके एनसीईआरटी में भी इस टेबल में लिखे हैं। देखिए रिमार्क्स में यहाँ पर पेज नंबर 5 में आप देख सकते हो बच्चों। ठीक, तो कह रहा है एडिशन इज कम्यूटेटिव होल नंबर्स के लिए। ओके, एडिशन इज कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब इसका क्या मतलब है, देखिए बच्चों, इसका ये मतलब है कि मान लीजिए आपने टू होल, सबसे पहले बात करते हैं कि होल नंबर पर एडिशन इज कम्यूटेटिव। ओके, तो बात करते हैं बच्चों किसकी, एडिशन की। करेक्ट, एडिशन कह रहा है कि एडिशन इज कम्यूटेटिव। ओके बच्चों, सो एडिशन इज कम्यूटेटिव, इसका ये मतलब होता है बच्चों, ध्यान से चेक करिए। देखिए मान लीजिए हमने टू होल नंबर्स चूज किए, सभी बच्चों को पता है कि होल नंबर का सेट क्या होता है, होल नंबर्स में क्या क्या आता है, हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5 एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से चलता रहेगा। तो ये सारे आपके होल नंबर से, होल नंबर में बच्चों 0 भी आता है, याद रखिएगा होल नंबर के सेट में 0 भी आता है, ये बात हमें पता है। तो बच्चों मान लीजिए हमने होल नंबर चूज किए, कोई 2 होल नंबर चूज करो और उनको ऐड करके देखो। ठीक है ना, आइए ऐड करते हैं। एक होल नंबर बच्चों हमने 0 चूज किया और नेक्स्ट होल नंबर हमने 7 चूज किया। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, 0 + 7 कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने बोला कि यहां पे हमने 0 में 7 को ऐड किया है, यानी कि फर्स्ट होल नंबर मेरा 0 था और सेकंड मेरा 7 था। ठीक है बच्चों, अगर मैं ऐसा कर दूं कि फर्स्ट होल नंबर कौन सा ले लूं 7 और सेकंड होल नंबर मैं कौन सा ले लूं 0, अब दोनों को अगर मैं ऐड करूं, यानी कि 7 + 0 अगर मैं करूं, तब भी बच्चों कितना आता है, 7 ही तो आता है, ये तो सभी को पता है। ठीक, 0 + 7 कितना होता है, 7, और 7 + 0 भी कितना होता है, 7। यानी कि बच्चों ध्यान से सुनिए, मैं 0 में 7 ऐड करूं या मैं 7 में 0 ऐड करूं, बात क्या है, सेम है। इसी को हम बोलते हैं क्या, कि जो होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो एडिशन के लिए कम्यूटेटिव होते हैं। ठीक है, मतलब जो कम्यूटेटिविटी है वो होल नंबर्स के एडिशन पे लागू होती है। आप कोई भी 2 होल नंबर्स लेके ऐड करो, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और हम आपको एग्जांपल देते हैं बच्चों, मान लीजिए आपने एक होल नंबर 5 लिया, दूसरा आपने 2 लिया, ठीक है, तो आप बच्चों 5 + 2 करो, या आप मतलब 5 में आप 2 ऐड करो या फिर 2 में आप 5 ऐड करो, बच्चों बात क्या है, सेम है। करेक्ट, तो इसी को बस हम बोलते हैं कि होल नंबर्स पे होल, इसी को हम बोलते हैं क्या, कि एडिशन इज कम्यूटेटिव ऑन होल नंबर्स। करेक्ट बच्चों, 5 + 2 भी क्या होता है, 7, और 2 + 5 भी क्या होता है, 7। तो आप देख सकते हो 5 + 2 कितना आ जाएगा, 7 = 2 + 5 भी कितना होता है, 7। तो देखा आपने कि जितना लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है उतना ही आपका राइट हैंड साइड आ रहा है,
करेक्ट बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम अगर टू होल नंबर चूज करें तो फर्स्ट होल नंबर में सेकंड वाला ऐड करें या सेकंड वाले में फर्स्ट वाला ऐड करें, फर्स्ट होल नंबर में सेकंड वाला ऐड करें या फिर सेकंड वाले में फर्स्ट वाला ऐड करें, बात क्या है, सेम है। ठीक है बच्चों, ओके, तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा कि हाउ द एडिशन इज कॉमेटेटिव ऑन होल नंबर्स, करेक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्या वो कह रहा है पॉइंट टू में। आप अपनी कॉपी में नोट लगा के बच्चों उसको याद भी कर लीजिएगा और खुद से थोड़ा सा फील भी कर लीजिए, करेक्ट। अगर आपको ये जनरलाइज करना है स्टेटमेंट कि एडिशन इज कॉमेटेटिव, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ए और बी अगर टू होल नंबर से है ना, सो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस ए। चेक कर लो, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ए एंड बी आर टू होल नंबर्स, ठीक। ए में बी ऐड करो या फिर बी में ऐड ए ऐड करो, बात क्या है, सेम है, ओके। तो बहुत बेसिक सी बात है बच्चों, आपको ये बात पता है। नाउ स्टूडेंट्स, तो ये कॉपी में नोट लगा के याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कह रहा है सब्सट्रैक्शन इज नॉट कमिटेटिव, सब्सट्रैक्शन इज नॉट कमिटेटिव ऑन होल नंबर्स, ओके बच्चों। सो कॉपी में नोट लगाएंगे बच्चों, आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए। सब्सट्रैक्शन इज नॉट कमिटेटिव ऑन होल नंबर, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखिए बच्चों, मान लीजिए हम टू होल नंबर चूज करते हैं, ओके। तो ध्यान दें, हमने फर्स्ट होल नंबर चूज किया 10, ठीक, और सेकंड होल नंबर हमने चूज किया 5, ठीक। अब बच्चों 10 में से अगर आप 5 माइनस करोगे, 10 में से आपने 5 माइनस किया, 5 आ गया, तो 10 में से 5 माइनस किया तो 5 आया। और ध्यान से सुनिए, अगर हम 5 में से 10 माइनस करें बच्चों तो क्या आता है, ध्यान से चेक करो, अगर हमने 5 में से 10 माइनस किया तो क्या आता है, ध्यान से चेक करिए, 5 माइनस 10 बच्चों कितना हो जाएगा, 5 माइनस 10 माइनस 5, यस सर, कैसे सर, 5 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस मानेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 आएगा, लेकिन बच्चों साइन लगाएंगे हम बड़े वाले नंबर का, तो 10 के आगे माइनस है तो माइनस। ध्यान से चेक करो बच्चों, हमने टू होल नंबर चूज किए थे, कौन से, फर्स्ट तो आपका क्या था 10 था, सेकंड आपका क्या था 5 था, तो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना एक अलग बात है और 5 में से 10 सब्ट्रैक्ट करना एक अलग बात है, दोनों का आंसर बच्चों सेम नहीं आ रहा है। आप चेक कर सकते हो 10 माइनस 5 कितना आ रहा है 5, लेकिन 5 माइनस 10 कितना आ रहा है माइनस 5 आ रहा है, इसलिए हम बोलते हैं क्या कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कमिटेटिव ऑन होल नंबर्स, करेक्ट। बात समझ में आ गई, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और दूंगा, लेकिन आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं बच्चों, ध्यान से चेक करिए, हमने क्या किया, हमने 10 माइनस 5 किया और हमने फिर 5 माइनस 10 किया और हमने यहां पर इसको इक्वल टू को ऐसे कट कर दिया, मतलब हम कहना चाहते हैं कि 10 माइनस 5 इज नॉट इक्वल्स टू, इसको क्या पढ़ोगे, इज नॉट इक्वल्स टू, ओके, 10 माइनस 5 इज नॉट इक्वल्स टू 5 माइनस 10, ध्यान से चेक करो बच्चों, क्यों सर 10 माइनस 5 तो 5 होता है, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू 5 माइनस 10 तो बच्चों माइनस 5 होता है, ध्यान से चेक करो, 5 और माइनस 5 बच्चों अलग अलग नंबर्स हैं, यस सर, चेक कर लीजिए, 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है, चेक कर लो, और माइनस 5 एक नेगेटिव इंटीजर है, ये दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, तो दोनों आपस में बच्चों कैसे इक्वल हो सकते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं, तो ये बात आपको बच्चों यहां पर ध्यान रखनी है, करेक्ट स्टूडेंट्स। चलो बहुत बढ़िया, ओके, एक दो एग्जाम्पल मैं आपको और दे सकता हूं बच्चों, आइए एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। मान लीजिए बच्चों आपने टू होल नंबर सेलेक्ट किए, ठीक है, देखिए आपने फर्स्ट होल नंबर लिया 0 और सेकंड होल नंबर लिया आपने 5 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो बच्चों, ठीक है, 0 और 3, तो 0 में से आपने 3 सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि 0 माइनस 3, और फिर आपने क्या किया, 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया, देखो 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा, 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करा, बात बच्चों सेम नहीं है, अलग अलग आंसर आएंगे, यस सर, चेक करिए, 0 माइनस 3 होता है माइनस 3 और 3 माइनस 0 होता है 3, और बीच में आपको यहां नॉट इक्वल टू दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है माइनस 3 और 3 ये आपस में इक्वल नहीं होते। देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर 0 माइनस 3 माइनस 3 कैसे होता है, है ना, तो ये आप बच्चों अच्छे तरीके से ध्यान कर लीजिए, अगर 0 के बाद माइनस करके कोई भी नंबर लिखा हो, है ना, 0 माइनस 5 तो आंसर आएगा माइनस 5, हमेशा याद रखिएगा, ठीक, अगर लिखा है 0 माइनस 10 बच्चों तो आंसर आएगा माइनस 10, गलती मत कर देना, ठीक है, 0 माइनस 5 माइनस 5, 0 माइनस 10 माइनस 10, ठीक, इसी तरीके से 0 माइनस 11 लिखा है बच्चों तो माइनस का 11 आंसर आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, लेकिन वहीं पर अगर 5 माइनस 0 किया हो, मतलब 5 पहले लिखा हो 0 बाद में लिखा हो 5 माइनस 0 तो आंसर 5 आएगा, ठीक है, 10 माइनस 0 ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, फिर 11 माइनस 0 11 आएगा, ठीक है ना, तो ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो आपने इन एग्जांपल्स में भी देखा 0 में से 5 माइनस करना एक अलग बात है और 5 में से 0 माइनस करना एक अलग बात है, ठीक है ना, क्योंकि 0 माइनस 5 माइनस 5 है लेकिन 5 माइनस 0 क्या है 5 है, इसी तरीके से 0 माइनस 10 माइनस 10 है लेकिन 10 माइनस 0 10 है, ठीक है, 0 माइनस 11 माइनस 11 है लेकिन 11 माइनस 0 11 है, तो देखा आपने कि अगर हम टू होल नंबर्स को ले लें, 0 भी तो होल नंबर है, ठीक, टू होल नंबर लिए हमने 0 5, ठीक, तो 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना एक अलग बात है और 5 माइनस 0 एक अलग बात है, यानी कि जो सब्सट्रैक्शन होता है इट इज नॉट कम्यूटेटिव ऑन होल नंबर्स, ओके,
करेक्ट, यानी कि टू होल नंबर, फर्स्ट वाले में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो अलग बात है, और सेकंड वाले में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो अलग बात है। लेकिन एडिशन जब हम कर रहे थे बच्चों, ओके याद है आपको, जब हम एडिशन कर रहे थे तो थोड़ा सा हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि 0 प्लस 5 करो, ठीक है बच्चों, 0 प्लस 5 करो या 5 प्लस 0 करो, बात क्या है सेम है, मतलब 0 में 5 ऐड करो या 5 में 0, बात क्या है सेम है, इसका भी आंसर 5 आएगा और इसका भी आंसर 5 आएगा। इसलिए लिखा है एडिशन इज कमिटेटिव ऑन होल नंबर बट सबसेक्शन इज नॉट कमिटेटिव ऑन होल नंबर, करेक्ट बच्चों। तो आई थिंक आपको मेरी बात बच्चों समझ में आ गई होगी, बहुत बेसिक सी बात थी जिसको हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है, करेक्ट स्टूडेंट्स, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नाउ स्टूडेंट्स अब आप ध्यान दें, नेक्स्ट जो हमको पढ़ा रहा है कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन इज कॉमिटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज कॉमिटेटिव ऑन होल नंबर, ओके बच्चों, मल्टीप्लिकेशन इज कॉमिटेटिव ऑन होल नंबर, ठीक है, होल नंबर पे मल्टीप्लिकेशन कॉमिटेटिव होता है, मतलब अगर हम टू होल नंबर ले लें, फर्स्ट वाले को सेकंड से मल्टीप्लाई करें या सेकंड को फर्स्ट से करें, बात क्या है सेम है, ओके। तो आइए बच्चों हम आपको दिखाते हैं, यहां पर ध्यान देंगे बच्चे सभी, तो यहां पर हमने लिखा क्या, यहां पर हमने लिखा मल्टीप्लीकेशन इज वॉट इज कॉमिटेटिव ऑन होल नंबर, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखा है, इग्नोर करना, उसी में मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन इज कॉमिटेटिव ऑन होल नंबर, ओके बच्चों, कोई भी टू होल नंबर चूज करो, मान लो बच्चों मैंने चूज किया टू और दूसरा होल नंबर मैंने चूज किया थ्री, तो बच्चों टू इंटू थ्री करो या फिर थ्री इंटू टू करो, बात क्या है सेम है, ओके, टू इंटू थ्री करो, इनटू मतलब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 या फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, बात क्या है सेम है, क्यों सर, बेटा चेक कर लो, 2 3 जा 6 होता है, ठीक, और 3 2 जा भी 6 होता है, तो 6 तो 6 के इक्वल होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के, ओके बच्चों। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन इज कॉमिटेटिव ऑन होल नंबर, करेक्ट बच्चों। यहां पे एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, मान लो बच्चों मैंने 0 लिया, ठीक, मान लो मैंने क्या लिया, 0 लिया, ओके, तो 0 * फर्स्ट नंबर, फर्स्ट होल नंबर 0 है और सेकंड होल नंबर मान लो 7 है, ठीक, 0 इंटू 7 करो या 7 इंटू 0 करो, बच्चों आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा, याद रखिएगा, 0 को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करें या उस नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 आता है, लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड 0, तो आपने देखा 0 इंटू 7 करो या 7 इंटू 0 करो, बात क्या है सेम है, इसका मतलब बच्चों मल्टीप्लीकेशन इज कमिटेटिव ऑन होल नंबर्स, करेक्ट, ओके, सो ये वाला पॉइंट भी हमने कवर कर लिया, कॉपी में नोट करेंगे बच्चे सभी, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं क्या डिवीजन इज नॉट कॉमिटेटिव ऑन होल नंबर, बच्चों ठीक, यस डिवीजन इज नॉट कॉमिटेटिव, ये हम आपको दिखाते हैं, ठीक, सो डिवीजन इज नॉट डिवीजन इज नॉट कॉमिटेटिव ऑन होल नंबर, यस सर। आइए बच्चों टू होल नंबर लेते हैं, ध्यान से चेक करिए, हमने लिया बच्चों लेट अस से 6 और सेकंड होल नंबर लिया हमने 2, 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 6 को 2 से डिवाइड किया, और एक बार हमने क्या किया, हमने 2 को 6 से डिवाइड किया, बच्चों दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे, ये बात आपको बिल्कुल पता है, अगर हम 6 डिवाइडेड बाय 2 करें, ठीक है, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, देखिए 6 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या है, 6 बाय 2, ठीक, और 2 डिवाइडेड बाय 6 का मतलब होता है 2 बाय 6, करेक्ट, ध्यान से चेक करिए बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, 2 वन जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि 3 बाय 1, और 3 बाय 1 कितना होता है, 3 होता है, 3 के नीचे मतलब किसी भी नंबर के नीचे 1 आता है तो आंसर वही नंबर आता है, तो 3 बाय 1 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, सो इसका आंसर 3 आ रहा है। यहां पे देखो बच्चों 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी कि ये तो आ गया 1 बाय 3, ओके बच्चों, तो देखो 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 3, और 2 डिवाइडेड बाय 6 कितना आया, 1 बाय 3, बच्चों 3 एक अलग नंबर है और 1 बाय 3 एक अलग नंबर है, 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1 बाय 3, हमें पता है 3 1 बाय 3 का इक्वल नहीं होता है, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं क्या कि 6 डिवाइडेड बाय 2 इज नॉट इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एक अलग आंसर आ रहा है और राइट हैंड साइड एक अलग आंसर आ रहा है, ओके बच्चों, यानी कि हमने 2 होल नंबर लिए, फर्स्ट वाले को सेकंड से डिवाइड करना एक अलग बात है और सेकंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड करना एक अलग बात है, करेक्ट बच्चों, ध्यान से चेक करो फिर से, 6 आपका फर्स्ट होल नंबर था, ठीक, 2 आपका सेकंड होल नंबर था, फर्स्ट को 2 से डिवाइड करना एक अलग बात है और सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना एक अलग बात है, ठीक है बच्चों, सो इसलिए लिखा हुआ है कि डिवीजन इज नॉट कॉमिटेटिव ऑन होल नंबर्स, ओके, सो ये वाला पॉइंट भी बच्चों आपका कवर यहां पर हो गया है कि एग्जांपल से, सुनिए एक अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बहुत अच्छा एग्जांपल, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मजा आएगा आपको उसमें, देखिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल बच्चों हम आपको देते हैं, हमने बच्चों होल नंबर चूज किया 0
और दूसरा होल नंबर कोई भी चूज कर लो, एक तो जीरो चूज करो, दूसरा कोई भी मान लो फाइव, ओके। सो जीरो डिवाइडेड बाय फाइव करिए, मैं आपसे बोल रहा हूं, ठीक। और मतलब जीरो को फाइव से डिवाइड करो और फिर आप फाइव को जीरो से डिवाइड करो और चेक करो कि आंसर क्या आ रहा है। सेम तो नहीं आएगा बट क्या आ रहा है, कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो बच्चों। मैंने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ाया था, जीरो डिवाइडेड बाय फाइव का मतलब होता है जीरो अपॉन फाइव, ओके। और फाइव डिवाइडेड बाय जीरो का मतलब होता है फाइव बाय जीरो, ओके बच्चों। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार याद कर लीजिए, अगर कभी भी न्यूमरेटर में जीरो दिखाई पड़े नीचे कोई नंबर तो जीरो बाय नंबर जीरो आता है, तो बच्चों इसका आंसर जीरो आएगा। लेकिन अगर ऊपर नंबर है नीचे जीरो है तो ये आता है नॉट डिफाइंड, मैथ्स में ये डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। इसका वैल्यू किसी को नहीं पता है, ठीक है बच्चों। तो देखा आपने लेफ्ट हैंड साइड क्या आया, जीरो, लेकिन राइट हैंड साइड क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। यानी कि फर्स्ट होल नंबर को सेकंड से डिवाइड करना और सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो हम बोल सकते हैं जीरो डिवाइडेड बाय फाइव इज नॉट इक्वल्स टू फाइव डिवाइडेड बाय जीरो, करेक्ट बच्चों, ओके। सो प्लीज इसको बच्चों नोट कर लीजिए, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपने ये चारों पॉइंट बच्चों देखे, अपनी कॉपी में नोट भी आपने किए होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब हम आपको एक बात बताते हैं, देखिए बच्चों आपकी बुक में पेज नंबर फाइव पे इन्होंने ये जो टेबल बनाई हुई है, ठीक है, इसके रिजल्ट्स जो रिमार्क्स हैं मैंने लिख दिए। अब देखो नीचे एक बात लिखी है, कह रहा है कि चेक वेदर द कॉम्यूटेटिविटी ऑफ द ऑपरेशन होल्ड फॉर नेचुरल नंबर ऑल्सो, ठीक है। ये जितने भी ऑपरेशन है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ठीक है, आर दीज कॉम्यूटेटिव ऑन नेचुरल नंबर ऑल्सो, क्या ये नेचुरल नंबर पे भी कॉम्यूटेटिव होते हैं, ओके आइए चेक करते हैं। तो बच्चों अब हमने क्या किया, हमने नेचुरल नंबर पे भी चेक किया। नेक्स्ट हमने लिया नेचुरल नंबर्स का सेट, ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या होता है। तो अपनी कॉपी में बच्चों आप लोग नोट लगाओगे क्या कि अब हम कॉम्यूटेटिविटी चेक करने जा रहे हैं कहाँ, नेचुरल नंबर्स पे। क्या आपको याद है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से, ओके। सो बच्चों नेचुरल नंबर हो गया वन टू थ्री फोर, ओके फाइव एंड सो ऑन टू, जीरो नहीं होता है इसमें, है ना, नेचुरल नंबर के सेट में। तो आप देख सकते हो बच्चों मेरे ख्याल से यही रिजल्ट दोबारा आएंगे, नेचुरल नंबर के लिए भी यही रिजल्ट दोबारा आएंगे। क्यों सर, आइए दिखाते हैं बच्चों, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव ऑन नेचुरल नंबर, यस सर यस सर यस सर। देखो अगर हम टू नेचुरल नंबर लें, ठीक है, वन लिया और वन में टू को ऐड करें या फिर टू में वन को ऐड करें, बात क्या है, सेम है। देख सकते हो वन प्लस टू थ्री होता है और टू प्लस वन भी थ्री, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो एडिशन इज कॉम्यूटेटिव ऑन नेचुरल नंबर, फिर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, यस सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होगा नेचुरल नंबर पे। आपको दिखा देता हूं मैं, मान लो मैंने टू लिया और सेकंड नेचुरल नंबर मैंने थ्री लिया, टू माइनस थ्री करूं या थ्री माइनस टू करूं, बात क्या है, अलग अलग है, बात सेम नहीं है बच्चों, ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। क्यों, 2 माइनस थ्री कितना होता है, 2 के आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस टू वन, और साइन लगेगा बड़े नंबर का, 3 के आगे माइनस है माइनस, ठीक। तो 2 माइनस थ्री माइनस वन आएगा, लेकिन 3 माइनस टू कितना आएगा, 1, और आपको पता है कि माइनस वन और 1 आपस में इक्वल नहीं होते, माइनस वन इज नॉट इक्वल्स टू 1, करेक्ट। तो इसका मतलब सब्सट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव ऑन नेचुरल नंबर, ठीक। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव, यस सर मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव ऑन नेचुरल नंबर, मतलब जैसा जैसा होल नंबर के लिए आपने पढ़ा था वैसा ही वैसा नेचुरल नंबर के लिए भी वैलिड होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव, यस सर, कोई भी टू नेचुरल नंबर लीजिए जैसे थ्री और फोर, बच्चों थ्री इंटू फोर करो या फिर फोर इंटू थ्री करो, बात क्या है, सेम है, थ्री फोर जा ट्वेल्व होता है और फोर थ्री जा भी ट्वेल्व होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, इसलिए मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव ऑन नेचुरल नंबर, ओके बच्चों, वेरी गुड। नाउ अब देखिए बच्चों, कह रहा है डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव ऑन नेचुरल नंबर, यस सर। बच्चों कोई भी दो नंबर लो, जैसे हमने फर्स्ट नंबर लिया फोर, फर्स्ट नेचुरल नंबर फोर, सेकंड टू, तो फोर डिवाइडेड बाय टू करना एक अलग बात है और टू डिवाइडेड बाय फोर करना एक अलग बात है। चेक कर लीजिए, दीज आर नॉट इक्वल, हाउ, फोर बाय टू का मतलब फोर डिवाइडेड बाय टू का मतलब फोर बाय टू, विच इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, टू बाय फोर, ओके। चेक करो, ये टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू बाय वन टू आ गया, और यहां पे देखो टू वन जा टू और टू टू जा फोर, यहां वन बाय टू आ गया, चेक कर लो। इसीलिए मैं बीच में इक्वल ना लगा के नॉट इक्वल्स टू लगाता हुआ चल रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा फील है कि लेफ्ट हैंड साइड कुछ और आएगा, राइट हैंड साइड कुछ और आएगा, ठीक है बच्चों। चेक कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड टू है और राइट हैंड साइड वन अपॉइंट टू है, टू वन अपॉइंट टू के इक्वल नहीं होता है भाई, एक अलग नंबर है, एक अलग नंबर है, इसका मतलब डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। सो प्लीज इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं और चेक करते हैं कम्यूटेटिविटी ऑन डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। स्टूडेंट्स अब हम चेक करते हैं कि इंटीजर्स के लिए
एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कमेंटेटिव है कि नहीं है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसा जैसा आपने होल नंबर और नेचुरल नंबर के लिए पढ़ा है वैसा ही इंटीजर के लिए भी होता है, यानी कि एडिशन इज कमेंटेटिव, सब्सट्रैक्शन इज नॉट कमेंटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज कमेंटेटिव, डिवीजन इज नॉट कमेंटेटिव। ओके स्टूडेंट्स, सो आइए हम आपको बच्चों यहां पर एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से। तो इंटीजर का सेट तो सभी बच्चों को पता है, ठीक, एक बार याद दिलाता हूं बच्चों, इंटीजर में 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टू 5, है ना, इस तरीके से एंड सो ऑन टू अप टू प्लस इनफिनिटी। प्लस इनफिनिटी मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में इनफिनिटी तक जा सकते हो। इसी तरीके से इसमें आएंगे नंबर -1, ठीक, -2, -3, ठीक, -4 एंड सो ऑन टू बच्चों अप टू माइनस इन्फिनिटी, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक आप बहुत दूर तक जा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं क्या एडिशन इज कमेंटेटिव। ओके बच्चों, सो देखते हैं क्या होता है एडिशन। एडिशन इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव ऑन इंटीजर्स। बच्चों चेक करिए, टू इंटीजर्स ले लीजिए, कोई भी ले लो, ठीक है, एक दो एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा, परेशान ना हो। बच्चों एक इंटीजर मैंने लिया लेट अस से -3, ठीक, और दूसरा इंटीजर मैंने लिया 4, करेक्ट। तो ध्यान से चेक करो, -3 में 4 को ऐड करो या 4 में -3 को ऐड करो। देखो, फर्स्ट इंटीजर -3, सेकंड 4, तो हमने क्या किया, फर्स्ट में सेकंड को ऐड करो या फिर सेकंड में फर्स्ट को ऐड करो, मतलब अब 4 में हम -3 को ऐड करेंगे। यहां पर क्या कर रहे थे, -3 में 4 को ऐड कर रहे थे, अब हम 4 में -3 को ऐड करेंगे, और जब 4 में -3 को ऐड करेंगे तो 4 और बीच में प्लस और -3, करेक्ट। अब चेक करो बच्चों, पक्का ये दोनों इक्वल आएंगे, आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसे इक्वल आएंगे, परेशान ना हो। देखो बच्चों, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 4 में से 3 को माइनस करेंगे लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का। ओके, तो 4 माइनस 3 तो बच्चों 1 होता है, और 4 के आगे, 4 एक लार्जर नंबर है, इसके आगे प्लस है, तो आंसर आएगा +1, ठीक है। अब इज इक्वल्स टू, ध्यान दें बच्चों, यहां पर इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको मैं आपको करके दिखाता हूं नेक्स्ट स्टेप में, यहां पर देखो, यहां पे मैं आपको करके अलग से दिखाता हूं, ठीक है। 4 प्लस माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, चेक करो, 4, अब ध्यान देना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 1, ठीक, 1 का मतलब +1, ठीक। सो लो यहां पर कितना आ गया, +1, आप यहां से भी देख सकते हो, 4 माइनस 3 1 होता है, 4 के आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, साइन लगेगा बड़े नंबर का, 4 का साइन लगेगा +1, ठीक है। सो देखा आपने, लेफ्ट हैंड साइड भी +1 आया, राइट हैंड साइड भी +1 आया, तो इसलिए हम बोलते हैं क्या कि एडिशन इज कमेंटेटिव ऑन इंटीजर्स, करेक्ट बच्चों। अब ध्यान दें प्लीज, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 1 = 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, दो तीन एग्जांपल और दूंगा, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से यहां पर क्लियर हो जाए बच्चों, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ देखिए बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक इंटीजर चूज किया -4 और दूसरा हमने चूज किया लेट अस से -2, ठीक, -4 में -2 ऐड करेंगे और एक बार हम क्या करेंगे -2 में -4 ऐड करेंगे। आइए जरा करके देखते हैं क्या होता है, इक्वल आएगा पक्का, -4 में -2 ऐड करो, कैसे करोगे, इसको ब्रैकेट में लोगे और यहां प्लस, -4 में -2 हम ऐड करने जा रहे हैं। यहां पे देखिए, -2 में हम क्या कर रहे हैं, -4 ऐड करने जा रहे हैं, ठीक, पक्का इक्वल आएंगे, अभी दिखाता हूं मैं आपको, देखो कैसे। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये -4 है, ऐसे ही रहेगा। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक, फिर इक्वल टू मैं जानबूझ के लगा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है एडिशन इज कमेंटेटिव, है ना, -2 प्लस माइनस -4। अब चेक करो आंसर क्या आएगा बच्चों, चेक करो, देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, भाई माइनस माइनस प्लस, साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 + 2 = 6 होता है, और साइन लगेगा जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बड़ी दिखाई पड़ेगी, 4 और 2 में कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है, 4 के आगे माइनस है, माइनस, ठीक, इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो 4 + 2 = 6 और 6 के आगे माइनस है, ये चेक कर लो बच्चों, -6 - 6, ठीक, यानी कि -4 में -2 ऐड करो या -2 में -4 ऐड करो, बात क्या है, सेम है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये बात है, ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूँ एडिशन इज कमेंटेटिव का, ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, ठीक है। सो ध्यान से बच्चों चेक करिएगा प्लीज, फर्स्ट इंटीजर इस बार मैंने 0 लिया और सेकेंड इंटीजर कोई नेगेटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, -4 ले लिया, तो 0 में आप -4 ऐड करो या फिर -4 में आप 0 ऐड करो, बात क्या है, सेम है, ठीक है। देख लीजिए बच्चों, ध्यान से चेक करिए, ये हो जाएगा क्या, 0 ऐसे ही रहेगा अभी, प्लस माइनस माइनस, 0 - 4 = -4 + 0 को अभी ऐसे ही मैंने कॉपी कर लिया,
ठीक है। अब ध्यान दें बच्चे सभी, देखिए मैंने आपको कई बार बताया अगर जीरो माइनस कोई भी नंबर लिखा हो तो माइनस में वही नंबर आ जाता है ना, तो माइनस फोर आ जाएगा ये, जीरो माइनस फोर माइनस फोर इज इक्वल्स टू माइनस फोर प्लस जीरो, जीरो में कोई भी नंबर ऐड होगा तो वही नंबर आ जाएगा, तो इसका मतलब जीरो प्लस माइनस फोर है ना, चेक कर लो ठीक। अगर आपको ऐसे देखना माइनस प्लस माइनस यानी फोर माइनस जीरो फोर हो जाएगा और साइन लगेगा बड़े नंबर का, फोर और जीरो में बड़ा कौन है फोर, तो माइनस फोर लो है ना। वैसे भी सिंपल सा फंडा ये, जीरो में के साथ अगर प्लस में कुछ भी हो तो वही नंबर आ जाता है, माइनस फोर प्लस जीरो माइनस फोर होता है ठीक, और जीरो माइनस फोर भी माइनस फोर होता है ठीक है बच्चों। ओके सो देखा आपने लेफ्ट हैंड साइड भी माइनस फोर और राइट हैंड साइड भी माइनस फोर हो गया करेक्ट। तो एडिशन इज कमेटेटिव ऑन इंटीजर्स ठीक है, तो ये आ गया बहुत बढ़िया। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं क्या उसने बोला, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कमेटेटिव ऑन इंटीजर्स ठीक है ना, तो दिस सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉमिटेटिव ओके। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, देखिए कोई भी टू इंटीजर सेलेक्ट कर लीजिए, मान लो मैंने सिक्स सेलेक्ट किया फाइव सेलेक्ट किया ठीक, तो हमने सिक्स सेलेक्ट किया फाइव, अब देखो सिक्स माइनस फाइव करो या फाइव माइनस सिक्स करो बात सेम नहीं है, नॉट इक्वल्स टू इक्वल नहीं आएगा भाई, सिक्स माइनस फाइव तो वन हो जाएगा ओके okay, और 5 माइनस सिक्स माइनस वन हो जाएगा भाई, इसके आगे प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 5 वन, साइन लगेगा बड़े नंबर का 6 का यानी कि माइनस, ये चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया, इसलिए सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉमिटेटिव ऑन इंटीजर्स। और एग्जांपल लेना चाहते हो ले लो, अब एक काम करो, एक नंबर आपने 3 लिया करेक्ट और दूसरा नंबर आपने क्या लिया माइनस 4 ले लिया लो ठीक। यहाँ पे देखो सुनो, 3 में से माइनस 4 सब्ट्रैक्ट करो, कैसे करोगे 3 इसको ब्रैकेट में रख के हम माइनस लगाएंगे, 3 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस 4, यहां पर माइनस 4 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं 3, तो यहां पर माइनस आना चाहिए ठीक। दीज टू आर नॉट इक्वल, हाउ चेक कर लो, ये 3 माइनस माइनस प्लस ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पहले, ये नॉट इक्वल टू आएगा चेक कर लो, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का 4 प्लस 3 7 और साइन लगेगा बड़े नंबर का यानी कि माइनस 7। अब चेक कर लो 3 प्लस 4 ये क्या हो जाएगा 7, तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड 7 है लेकिन राइट हैंड साइड माइनस 7 है और 7 माइनस 7 के इक्वल नहीं होता है, इसलिए 3 में से माइनस 4 सब्ट्रैक्ट करना एक अलग बात है और माइनस 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना एक अलग बात है ओके बच्चों। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉमिटेटिव। अब आइए एक और एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पे आ जाएगा आपको ठीक है। अब दो नेगेटिव इंटीजर लेते हैं ना, जैसे एक नेगेटिव इंटीजर लिया माइनस 6 और दूसरा लिया हमने माइनस 7 ठीक, तो और यहां पे लिखते हैं माइनस 7 और माइनस 6। सुनो, माइनस 6 में से माइनस 7 को सब्ट्रैक्ट करो या माइनस 7 में माइनस 6 को सब्ट्रैक्ट करो, बात क्या है अलग अलग है। आइए दिखाते हैं कैसे, माइनस 6 में से माइनस 7 सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस 6 फिर यहां माइनस लगाएंगे, माइनस 6 माइनस माइनस 7 ओके, इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 7 माइनस माइनस 6, चेक करिए ये माइनस 6 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस यहां आ गया 7 इज नॉट इक्वल्स टू, चेक करिए ये माइनस 7 है ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल नहीं आएगा आप चेक कर लो। देखो बच्चों माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि 7 माइनस 6 1 और साइन लगेगा बड़े नंबर का, 7 के आगे प्लस है प्लस, इज नॉट इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, 7 माइनस 6 1 होता है लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का यानी कि 7 का, 7 के आगे क्या है माइनस, ये लीजिए लेफ्ट हैंड साइड प्लस 1 है, राइट हैंड साइड क्या है माइनस 1 है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इसलिए सब्ट्रैक्शन इज नॉट कमेटेटिव ऑन व्हाट इंटीजर्स। तो सारे एग्जांपल्स लगभग मैंने यहाँ कवर कर दिए हैं ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव नंबर लेके, पॉजिटिव नेगेटिव लेके, जीरो के साथ लेके, सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन इज कमेटेटिव ऑन इंटीजर, यस सर, कोई भी दो इंटीजर लीजिए मल्टीप्लाई करिए ठीक है, जैसे कि बच्चों हमने लिया माइनस 3 और दूसरा लिया हमने क्या माइनस 4 ठीक, तो माइनस 3 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो या फिर माइनस 4 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो, बात क्या है सेम है, चेक कर लो माइनस 3 इंटू माइनस 4। अब ध्यान दो, जब भी आप माइनस 3 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो यानी कि जब भी आपका सेकंड वाला नंबर नेगेटिव होगा तो आपको सेकंड वाले नंबर को ब्रैकेट में रखना है, माइंड इट, ये इक्वल आ जाएगा किसके माइनस 4 इंटू, बच्चों ये इंटू और माइनस का साइन कभी भी साथ साथ नहीं लगता है इसलिए ब्रैकेट में रखिएगा इसको ओके। नाउ स्टूडेंट्स अब आप ध्यान दो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, बच्चों बच्चे बोलते हैं सर मल्टीप्लाई कर रहे हो सर 3 4 12 आएगा सर, और माइनस माइनस सर प्लस होता है लेकिन सर साइन लगेगा बड़े नंबर का, आप यहां गलती से माइनस लगा देते हो, रॉन्ग बच्चों, वो हम तब करते थे जब माइनस 3 में हम
क्या करेंगे, माइनस थ्री को माइनस फोर को ऐड कर रहे होते थे तब। ये देखिए माइनस थ्री और प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, थ्री प्लस फोर सेवन, और साइन लगेगा बड़े नंबर का। एडिशन में हम बड़े नंबर का साइन लगाते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में जो मुंह में बोलने में आता है वही साइन लगाया जाता है। सुन लो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो थ्री फोर था ट्वेल्व और प्लस का आएगा, याद रखना। मल्टीप्लीकेशन करते टाइम मुंह में बोलने में जो आ जाए वही लगा दो, बड़ा छोटा नंबर का साइन हमें नहीं देखना है। ओके, तो थ्री फोर था ट्वेल्व और माइनस माइनस प्लस, सो प्लस ट्वेल्व। और यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, फोर थ्री जा ट्वेल्व। ओके, सो ट्वेल्व कैसा आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो देखा लेफ्ट हैंड साइड भी प्लस ट्वेल्व है, राइट हैंड साइड भी प्लस ट्वेल्व है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन इज कमिटेटिव ऑन इंटीजर। ठीक है, यानी कि माइनस थ्री को माइनस फोर से मल्टीप्लाई करो या फिर माइनस फोर को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करो, बात क्या है, सेम है। अब देखो प्लस तो लिखा नहीं जाता है, तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि भाई ट्वेल्व इज इक्वल्स टू वॉट, ट्वेल्व। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है, वेरी गुड। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको और दिखा सकता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए मान लीजिए फर्स्ट इंटीजर मैंने जीरो लिया, ठीक, और सेकंड लिया मैंने माइनस थ्री, ठीक, और यहाँ पर मैंने माइनस थ्री लिया और इधर जीरो लिया, यानी कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक, जीरो को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करो या फिर माइनस थ्री को जीरो से मल्टीप्लाई करो, बात क्या है, सेम है। ठीक है, आंसर कितना आएगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो होता है, और किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा। चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो है, राइट हैंड साइड भी जीरो है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से, ठीक, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, चाहे कोई नेगेटिव नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो या नेगेटिव नंबर को जीरो को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो या नेगेटिव नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करो, आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, तो देखा आपने इस तरीके से। ओके, नाउ एक एग्जांपल और देता हूँ जिसमें मैंने थ्री सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने माइनस फोर सेलेक्ट किया। ठीक, तो थ्री इंटू माइनस फोर करो या माइनस फोर इंटू थ्री करो। ठीक है, मतलब एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया है ना और एक ले लिया पॉजिटिव, तो थ्री इंटू माइनस फोर करो या फिर माइनस फोर इंटू थ्री करो, बात क्या है, सेम है। कैसे, इक्वल आ जाएगा, चेक कर लो बच्चों। देखिए थ्री के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन का मल्टीप्लाई जरूर करना है ना। थ्री के आगे प्लस है और यहाँ क्या माइनस है, प्लस माइनस माइनस। अब बच्चे बोलेंगे सर साइन लगेगा बड़े नंबर का, नो सर, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मुंह में बोलने में जो साइन आ रहा है वही लगा दो। ओके, सो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, थ्री फोर दा ट्वेल्व, लो माइनस ट्वेल्व आ गया। ठीक, इज इक्वल्स टू, यहां पे चेक करो, फोर के आगे माइनस है, थ्री के आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो पहले साइन का मल्टीप्लाई कर लो। ओके, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और मुंह में बोलने में जो आ रहा है वही साइन लगाएंगे क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, प्लस माइनस माइनस और नंबर का नंबर से, फोर थ्री जा ट्वेल्व, लो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आ गया, माइनस ट्वेल्व, राइट हैंड साइड भी क्या आ गया, माइनस ट्वेल्व। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन इज वॉट, कॉम्यूटेटिव ऑन इंटीजर्स, करेक्ट। अब सुनो बच्चों, लास्ट देखते हैं, कह रहा है कि डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, करेक्ट, डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ओके, ऑन इंटीजर, यस सर। कोई भी दो इंटीजर लो बच्चों, लेट अस से हमने ले लिया फोर, ठीक, और दूसरा हमने ले लिया क्या, टू। ओके, अभी हम पॉजिटिव पॉजिटिव का करके दिखाएंगे, फिर पॉजिटिव नेगेटिव का करके दिखाएंगे, देखते हैं क्या होता है, सारे आपके प्रैक्टिस हो जाए ना। तो फोर डिवाइडेड बाई टू करो या टू डिवाइडेड बाई फोर करो, बात सेम नहीं है, चेक कर लो। फोर डिवाइडेड बाई टू इज नॉट इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ हमने क्या किए, यहाँ हमने 2 पॉजिटिव इंटीजर लिए, कौन कौन से, 4 और 2, 4 को 2 से डिवाइड किया, उधर 2 को 4 से डिवाइड किया, आंसर सेम नहीं आ रहा है, आप चेक कर सकते हो। 4 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब 4 बाई 2 है ना, इज नॉट इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 4 का मतलब 2 बाई 4, चेक कर लो। 4 2 1 2 2 2 4 2 अपॉन 1 क्या होता है, 2 है ना, और यहाँ पे 2 1 2 और 2 2 4 यहाँ पे 1 अपॉन 2 आ गया। तो बच्चों चेक करिए, लेफ्ट हैंड साइड 2 है, राइट हैंड साइड 1 अपॉन 2 है, नॉट इक्वल, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ओके, तो इसलिए हम बोलते हैं कि डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, अब आइए एक एग्जांपल और आपको अच्छा सा दिखाते हैं बच्चों। मान लो इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने यहां से फोर सेलेक्ट किया और दूसरा इंटीजर माइनस टू, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर सेलेक्ट किया। ठीक, तो माइनस टू लिखा, इधर फोर लिखा। ठीक, ध्यान दो, फोर डिवाइडेड बाय, अब इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड माइनस साथ साथ नहीं आता है, मल्टीप्लाई माइनस साथ साथ नहीं आता। ओके, तो फोर डिवाइडेड बाय माइनस टू करो या फिर माइनस टू डिवाइडेड बाय फोर करो, बात सेम नहीं होती है, दीज आर नॉट इक्वल। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे। फोर और डिवाइडेड बाय का मतलब अपॉन क्या है, माइनस टू है। ठीक, इज नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस टू और डिवाइडेड बाय फोर। ओके, ध्यान से चेक करो बच्चों। देखो अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर ये जो नीचे माइनस लिखा हुआ है सर इसका क्या मतलब है। बच्चों सुनो, जब नीचे माइनस लिखा है ना उसका कुछ मतलब नहीं है बच्चों। जैसे एक दो प्रैक्टिस कराते हैं आपकी, मान लो फाइव अपॉन माइनस टू लिखा हुआ है,
ठीक। तो इसका मतलब पता है क्या होता है, ये माइनस को आप ऊपर भेज सकते हो, इसको माइनस फाइव बाई टू आप लिख सकते हो। यस सर, लिख सकते हो। ठीक, मान लो मैंने आपको दिया कि वन बाय माइनस थ्री मैंने आपको दे दिया, तो बच्चों पता है क्या होगा, इसका मतलब होगा माइनस को आप ऊपर भेज सकते हो, माइनस वन बाय थ्री हो जाएगा ये। ठीक, तो इस तरीके से ये माइनस को आप कहाँ लगा दोगे, ऊपर। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट। तो ध्यान से चेक करिए, माइनस फोर बाय टू आप इसको लिख सकते हो, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू माइनस टू बाय फोर। कैसे सर, चेक करो बेटा, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू अपॉन वन तो टू होगा लेकिन आगे माइनस आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया माइनस टू। चेक करो, माइनस और टू बाई टू अपॉन वन क्या होता है, टू और माइनस लगा रहेगा, यानी कि माइनस टू विच इज नॉट इक्वल्स टू वॉट। राइट हैंड साइड देखो बेटा, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, क्या गया वन अपॉन टू, आगे क्या है माइनस वन, माइनस माइनस है, माइनस वन बाय टू। अब आप चेक करो बच्चों, माइनस टू एक अलग नंबर है, माइनस वन बाय टू एक अलग नंबर है, दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते, इतना तो आपको भी पता है। माइनस टू एक अलग चीज़ है, माइनस वन अपॉन टू एक अलग चीज़ है। इसका मतलब क्या कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव ऑन इंटीजर्स। ओके, तो इस एग्जाम्पल को बच्चों आप लोग नोट कर सकते हैं, प्लीज नोट करिए। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें यहाँ नेगेटिव इंटीजर लेंगे और यहाँ भी नेगेटिव इंटीजर लेंगे, ठीक है, दोनों नेगेटिव इंटीजर लेंगे तब क्या होता है देखते हैं। ओके, सो प्लीज इसको नोट करिए, कर लिया, चलो। तो ये प्रैक्टिस मैं इसलिए करा रहा हूँ, है ना, ताकि कुछ बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक होती है तो उनका भी चीज़ें कवर हो जाए, करेक्ट बच्चों। देखिए, मान लीजिए कि बच्चों हमने यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर लिया माइनस फोर और यहाँ हमने लिया एक और नेगेटिव इंटीजर माइनस टू, ठीक। तो अब आप समझ सकते होगे, एक बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हमने दोनों इंटीजर नेगेटिव सेलेक्ट किए हैं। ओके, एक बार हम माइनस फोर को डिवाइड करेंगे माइनस टू से और एक बार हम माइनस टू को डिवाइड करेंगे माइनस फोर से, आंसर सेम नहीं आएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, माइनस फोर डिवाइडेड बाय माइनस टू, ठीक, माइनस टू डिवाइडेड बाय माइनस फोर, करेक्ट, दीज टू विल नॉट बी इक्वल। चेक कर लो, इसका मतलब है माइनस फोर, है ना, डिवाइडेड का मतलब अपॉन क्या है माइनस टू, इज नॉट इक्वल्स टू माइनस टू डिवाइडेड बाय माइनस फोर। बच्चों जब भी आपको ऊपर नीचे माइनस दिखाई पड़े तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। सो माइनस से माइनस हट जाएगा, इधर भी माइनस से माइनस हट जाएगा, यानी कि इधर बचेगा फोर बाय टू इज नॉट इक्वल्स टू टू बाय फोर। ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में माइनस माइनस दिखे काट दो, काट दो, ठीक। टू वन जा टू, टू टू जो फोर, टू अपॉन वन, लेफ्ट हैंड साइड में टू आ गया, यहाँ पर टू वन जा टू, टू टू जो फोर, राइट हैंड साइड में वन अपॉन टू आ गया, है ना। सो आप देख सकते हो टू इज नॉट इक्वल्स टू वन अपॉन टू, इसका मतलब डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव ऑन इंटीजर्स। ये बहुत सारे एग्जाम्पल मैं जानबूझ के दे रहा हूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन भी यहाँ पे स्ट्रांग हो जाए, जो आप साइन के प्लस माइनस नहीं कर पाते हो या जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके साथ, ठीक है, वो यहाँ पे दूर हो रही होंगी जिन बच्चों के बेसिक क्लियर नहीं है। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हमने क्या किया, फर्स्ट इंटीजर हमने जीरो लिया, सेकंड इंटीजर आप चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, मान लो अगर आपने सेकंड इंटीजर टू ले लिया पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, तो जीरो बाय टू करो या टू बाय जीरो करो, बात अलग अलग हो जाएगी। चेक करिए, जीरो डिवाइडेड बाय टू और टू डिवाइडेड बाय जीरो, एक दोनों अलग अलग बातें हैं। कैसे, दीज टू आर नॉट इक्वल। ओके, ये हो गया जीरो बाय टू, ठीक, इज नॉट इक्वल्स टू टू बाय जीरो। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ बच्चों, जीरो के नीचे कोई नंबर हो तो आंसर जीरो आता है, जीरो बाई टू जीरो, और टू के नीचे कोई जीरो हो, मतलब नंबर के नीचे कोई नंबर के नीचे जीरो हो तो आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट डिफाइंड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आया, जीरो, और राइट हैंड साइड तो नॉट डिफाइंड हो गया, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते, ये तो पता है ना कम से कम जीरो है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड तो डिफाइन ही नहीं है, पता नहीं क्या है ना, तो दीज टू आर नॉट इक्वल। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। इसी तरीके से मान लो बच्चों यहां पर होता क्या, जीरो और सेकेंड नंबर हमने लिया होता माइनस टू, ठीक, नेगेटिव नंबर ले लेते और यहाँ माइनस टू बाय जीरो, तब भी इक्वल नहीं आता। चेक कर लो, जीरो डिवाइडेड बाय माइनस टू, है ना, इज नॉट इक्वल्स टू माइनस टू डिवाइडेड बाय जीरो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, जीरो के नीचे कोई भी नंबर हो पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो आंसर जीरो आएगा, ठीक, और न्यूमरेटर में कोई भी नंबर हो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो अपॉन में जीरो हो तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। ओके, तो फिर से आपस में इक्वल नहीं आए। तो इस तरीके से एडिशन इज कम्यूटेटिव ऑन इंटीजर, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव ऑन इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव एंड डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब देखते हैं बच्चों कि रैशनल नंबर्स पे ये ऑपरेशन कैसे काम करते हैं। ओके, प्लीज नोट कर लीजिए।
बात करते हैं रैशनल नंबर की, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर के भी वही रिजल्ट्स आएंगे। एडिशन इज कमेटेटिव ऑन रैशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कमेटेटिव ऑन रैशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन इज कमेटेटिव ऑन रैशनल नंबर एंड डिवीजन इज नॉट कमेटेटिव ऑन रैशनल नंबर्स। ओके, तो थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहता हूं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों, ठीक है। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको पी बाय क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते थे, जहां पर पी और क्यू क्या होते थे, इंटीजर्स होते थे एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, करेक्ट। ये चीज होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बच्चों -2/7 चेक करो, -2 इंटीजर है, 7 इंटीजर है और p की वैल्यू -2 है और q की वैल्यू 7 है, ठीक है। जो ऊपर है वो p है, जो नीचे है वो क्या है, q है एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, 7 0 के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि वैल्यू 7 है जो कि 0 नहीं है, ठीक है। तो एक रैशनल नंबर है। इसके अलावा हम आपको बता दें बच्चों क्या, हाँ, कि जितने भी इंटीजर्स होते थे, ओके स्टूडेंट्स, तो जितने भी इंटीजर्स होते थे बच्चों, जितने भी इंटीजर्स होते थे आपके, ठीक है, वो सारे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये जितने भी आपके क्या होते थे, -1, -2, -3, इस तरीके से चलता जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में। सो जितने भी इंटीजर होते थे वो रैशनल नंबर होते थे, यस सर होते थे, क्यों, क्योंकि बच्चों जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/1, देखो पी बाय क्यू के फॉर्म में आ गया, 1 को 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, इसी तरीके से -1 को -1/1, -2 को -2/1, -3 को -3/1, देखा आपने, कोई भी इंटीजर हो उसको आप पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर पी और क्यू क्या होता है, इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, किसी भी इंटीजर के नीचे 1 लिख दो, पी बाय क्यू फॉर्म का बन जाएगा, यानी कि रैशनल नंबर बन जाएगा। तो ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें आपको मैंने जब बता दी, तो जब बच्चों ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, तो सोचो भाई जब इंटीजर्स जितने हैं अगर वो सारे रैशनल नंबर हो जाते हैं, जो कि हमने आपको दिखाया, तो सोचो इंटीजर्स जो प्रॉपर्टी फॉलो करते होंगे वही तो रैशनल नंबर करते होंगे, और इंटीजर तो ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो करते थे कि भाई एडिशन इज कमेटेटिव ऑन इंटीजर, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कमेटेटिव ऑन इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन इज कमेटेटिव ऑन इंटीजर एंड डिवीजन इज नॉट कमेटेटिव। तो ये सारे जो रूल्स हैं आपके, ये रैशनल नंबर पे भी लग जाएंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे। ओके बच्चों, सो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, कि एडिशन की, है ना। सो एडिशन आपकी बुक से एग्जाम्पल लेंगे, है ना। सो एडिशन इज वॉट, एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर्स। ओके, पेज नंबर 5 पे बच्चों देखेंगे आप लोग, तो इन्होंने 2 रैशनल नंबर सेलेक्ट किए हुए हैं। ओके, तो देखते हैं स्टूडेंट्स, 2 रैशनल नंबर इन्होंने लिए हुए हैं, -2/3 लिया, ठीक है, ये फर्स्ट रैशनल नंबर है और सेकेंड रैशनल नंबर है 5/7। देखिए, एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। कह रहा है कि इसमें इसको ऐड करो या फिर थोड़ी जगह बनाते हैं बच्चों, है ना। सो थोड़ी सी, ये थोड़ा सा बाहर से शोर आ रहा है, ठीक है, होली का माहौल है तो लोग इन्जॉय कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। सो -2/3 रैशनल नंबर ले लें, ठीक है, इसको आप इग्नोर करो जो बाहर से शोर आ रहा है, काफ़ी तेज लोग चिल्ला रहे हैं। सो बच्चों ध्यान से चेक करो, -2/3 में आप 5/7 ऐड करो या फिर 5/7 में आप क्या ऐड करो, -2/3, बात क्या है, सेम है। आइए हम आपको करके दिखाते हैं। सो ये लेफ्ट हैंड साइड है, -2/3 में हम क्या ऐड करने जा रहे हैं, 5/7, यहाँ हमने प्लस लगा दिया, ठीक। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा भाई नहीं, सेकंड वाले रैशनल नंबर में फर्स्ट को ऐड करेंगे, देखते हैं क्या होता है, 5/7 और प्लस -2/3। ओके, अब देखिए दो साइंस प्लस और माइनस पास पास नहीं आते, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख लिया है ना, -2 को मैंने, या फिर आप इसको पूरा ही ब्रैकेट में रख सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये ऐसे, ठीक। या फिर अगर आपको ऐसे लगाना हो, NCERT ने शायद क्या किया, हाँ पूरा ही ले लिया, पूरा ब्रैकेट में ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये एग्जांपल आप देख सकते हो पेज नंबर 5 पे नीचे, है ना। सो अब ये दोनों इक्वल आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आएंगे, चेक करो बच्चों, ध्यान से चेक करो। देखो 7/3 का एलसीएम कितना आता है, 21, ये तो सबको पता है। अब 21 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 7, 7 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे, सो -2 × 7 और प्लस, 21 को डिवाइड करेंगे 7 से कितना आएगा, 3, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लो, ठीक। अब देखो 7 और 3 का एलसीएम आएगा कितना, 21, 21 को 7 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, सो 5 × 3, ओके, और प्लस 21 को डिवाइड करो 3 से 7 आएगा, यानी कि -2 × 7, ध्यान दे बच्चों ये -2 है, सो -2 × 7, ओके। चेक करते हैं क्या होता है, 2 7 जा होता है 14, ठीक, और माइनस ऐसे ही लग जाएगा, और प्लस 5 3 जा होता है बच्चों 15, और अपॉन में कितना है 21, 5 3 जा 15 अपॉन में 21 इज इक्वल्स टू, ध्यान दें 5 3 जा बच्चों होता है 15, और ध्यान दें देखिए प्लस माइनस क्या होता है, -2 7 जा कितना होता है 14, और अपॉन में बच्चों कितना आ रहा है 21 आ रहा है, करेक्ट। इतना नोट करिए, थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए होगी,
ओके बच्चों, सो प्लीज थोड़ा सा नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया है। वेरी गुड। चलिए अब ध्यान दें, लास्ट स्टेप क्या होगा नेक्स्ट। देखिए बच्चों, देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस यानी कि 15 माइनस 14 करना है तो 1 आएगा, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का। ओके भाई, प्लस या माइनस कर रहे होते हो तो साइन देखते ना बड़े नंबर का, माइनस प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का। तो 15 का साइन लगेगा यानी कि प्लस 1 अपॉन में कितना है, 21 है, ठीक, इज इक्वल्स टू, ध्यान दें 15 के आगे कोई साइन नहीं यानी कि प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 15 माइनस 14 1 आएगा और साइन लगेगा बड़े नंबर का, बड़ा कौन है 15, 15 के आगे प्लस है यानी कि प्लस 1 बाय 20, प्लस 1 बाय 21। अब प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो प्लस यहां से हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यानी कि बच्चों लेफ्ट हैंड साइड भी 1 बाय 21 है, राइट हैंड साइड भी कितना है, 1 बाय 21 है। तो देखा आपने किस तरीके से टू रैशनल नंबर्स को हमने ऐड किया, फर्स्ट रैशनल नंबर को सेकंड में ऐड करो या सेकंड को फर्स्ट में ऐड करो, बात क्या है, सेम है। ओके, तो एडिशन इज कॉमेंटेटिव ऑन रैशनल नंबर्स। ओके, अच्छा एक बात और बताना चाहता हूं कि अभी हमने आपको क्या बताया था कि माइनस टू बाय क्या था, 3, माइनस टू बाय 3 और सेकंड रैशनल नंबर था 5/7, है ना, इन दोनों को ऐड करो, और मतलब माइनस टू बाय 3 में 5/7 को ऐड करो या 5/7 में आप माइनस टू बाय 3 को ऐड करो, बात कैसे में, ठीक है। तो ये तो हो गया, अब आपके टीचर ने कैसे कराया होगा ये जो राइट हैंड साइड, इसको मैं बताता हूँ कि इसको मैं बताता हूँ कि आपके टीचर ने इसको कैसे सॉल्व किया होगा, इसको मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूँ तो आपको परेशानी नहीं होगी। ओके, देखिए ऐसे किया होगा आपके टीचर ने, 5/7 इन द ब्रैकेट माइनस 2/3, करेक्ट, आपके टीचर ने ऐसे बोला होगा कि 5/7 और फिर बोला होगा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस और 2/3 ऐसे। अब उन्होंने एलसीएम लिया होगा, 7 और 3 का 21 आया होगा, 21 को 7 से डिवाइड किया 3 आया होगा, 5 3 15, माइनस 21 को 3 से डिवाइड किया 7 आएगा, 7 2 14। आपके टीचर ने अगर ऐसे किया है तब भी कोई गलती इसमें नहीं है, ऐसे भी हम कर सकते हैं कि प्लस माइनस, यहाँ माइनस उन्होंने डायरेक्ट कर दिया होगा, ठीक है बच्चों। सो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना आपको, दोनों बातें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। चलिए अब बच्चों, इन्होंने फिर से एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है, और इस बार इन्होंने दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर लिए हैं, ठीक है। फर्स्ट रैशनल नंबर है माइनस 6/5 और सेकेंड रैशनल नंबर है माइनस 8/3, करेक्ट, ये लिया। तो माइनस 6/5 में माइनस 8/3 को ऐड करो या फिर माइनस 8/3 में आप किसको ऐड करो, माइनस 6/5 को। तो इस बार मैं दोनों आपको अलग अलग करके दिखाऊंगा, ठीक है, ध्यान सुनिए। माइनस 6/5 में आप किसको ऐड करो, माइनस 8/3 को, तो यहाँ प्लस लगा दो, या फिर माइनस 8/3 में आप किसको ऐड करो, माइनस 6/5 को, बात क्या है, सेम है। मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक, माइनस 6/5 प्लस माइनस 8/3, ठीक। सो माइनस 6/5, अब ध्यान दे बच्चों, मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ जैसे आपका टीचर करता है, ठीक है ना, तो ज़्यादा टेंशन मत लो। प्लस माइनस पहले मैं यहाँ माइनस कर दूंगा, ठीक, 8/3, ओके, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ओके। नाउ अब देखिए, 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है, ठीक, 15 को डिवाइड करोगे 5 से 3 आएगा, और माइनस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, फिर माइनस 15 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, ये तो आता है ना एलसीएम निकाल के सॉल्व करना, 15 को डिवाइड करोगे किससे, 3 से, बच्चों कुछ नहीं करते, जो एलसीएम आता है ना उसको आप क्या करो, उसको आप डिवाइड करो, नीचे जो नंबर लिखा रहता है उससे डिवाइड करके क्वेश्चन जो आता है यहाँ पे, इसको उठा के इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे माइनस लगा था, लगा दिया, और 8 इंटू कितना आ रहा है, जब आप 15 को 3 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, तो 8 इंटू 5 कर देंगे, ठीक। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये देखिए बच्चों, 6 3 18, और ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा, याद रखना, कभी भी अगर एक नंबर के आगे नेगेटिव लगा है, दूसरा नंबर ऐसे ही लिखा है, तो आंसर माइनस में आता है, क्यों सर ये माइनस में होता है, और 3 के आगे कुछ नहीं यानी कि प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, 6 3 18, ठीक है, तो माइनस 18 क्या दिक्कत है बताइए। सो माइनस 18 और ये वाला माइनस ऐसे ही, 8 5 40, तो माइनस 40 अपॉन व्हाट, 15, ओके। नाउ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस, साइन लगेगा बड़े नंबर का, ओके, तो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस यानी कि 40 प्लस 18 करो, 58 आएगा, और 40 और 18 में से बड़ा कौन है, 40, 40 के आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक, तो माइनस 58 अपॉन कितना आ गया, 15, करेक्ट। तो ये आ गया किसका आंसर, लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक, तो इन दोनों को ऐड करने पर कितना आया, माइनस 58 बाय व्हाट, 15, ओके बच्चों। सो नोट करिए, नोट कर लीजिए बच्चों प्लीज, फटाफट नोट कर लिया, चलिए ओके।
अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, अब अदर वे राउंड हम कर रहे हैं, माइनस 8 बाय 3 में हम ऐड करेंगे किसको, माइनस 6 बाय 5 को, ओके, माइनस 8 बाय 3 प्लस माइनस 6 बाय 5, नाउ ध्यान देंगे ये माइनस 8 बाय 3 ऐसे ही रहेगा, अब जैसा आपका टीचर करता वैसे मैं कर रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस, ओके 6 बाय 5, ठीक, इससे थोड़ा ईजी भी रहता है ना, 3 और 5 का एलसीएम आ गया 15, 15 को 3 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, और 5 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि माइनस 8 इंटू 5, और ये वाला माइनस ऐसे ही कॉपी करोगे, उसके बाद 15 को 5 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, तो 6 इंटू 3, सो 6 इंटू 3, करेक्ट। नाउ ध्यान दें बच्चों, यहाँ सॉल्व करिए, 8 5 जा 40, यानी कि माइनस 40, उसके बाद ये वाला माइनस, ठीक, 6 3 जा 18, अपॉन में क्या है 15 है, अब आप देख लो बच्चों, माइनस माइनस प्लस, साइन लगेगा किसका, माइनस का, उस डायरेक्शन में मुझे करना चाहिए था लेकिन उधर जगह नहीं बची तो मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 40 और 18 ऐड करो 58 आएगा, अपॉन में 15, माइनस माइनस प्लस, साइन लगेगा बड़े नंबर का नीचे, सो इन दोनों को ऐड करने पे भी कितना आया, माइनस 58 बाय 15। देखा स्टूडेंट्स आपने कि हमने फर्स्ट रैशनल नंबर में सेकंड को ऐड किया या सेकंड में फर्स्ट को ऐड किया, बात क्या है, सेम है, इसलिए सबसेक्शन, सॉरी, इसलिए एडिशन इज व्हाट, कॉमिटेटिव। तो बहुत सारे एग्जांपल्स ले रहे हैं जिससे हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी करने की प्रैक्टिस भी बच्चों यहां पर हो जा रही है, और कोई बात है नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपकी बुक में कम से कम जितना दिया है ना उतना तो मैं कर ही रहा हूं, ठीक। इस बार इन्होंने दोनों नेगेटिव लिए थे, अब ये क्या कर रहे हैं, पेज नंबर 6 पे देखो, एक नेगेटिव रेशनल नंबर है और एक पॉजिटिव है, तो इसको भी मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है बच्चों। सो देखिए, माइनस 3 बाय 8 ये फर्स्ट रेशनल नंबर है, और सेकंड लिया इसने 1 बाय 7, फिर इसने सेकंड लिया और फर्स्ट को यहाँ पे लिखा, ठीक है। नाउ ध्यान दें बच्चों, माइनस 3 बाय 8 में आप 1 बाय 7 ऐड करो, या फिर 1 बाय 7 में आप क्या ऐड करो, माइनस 3 बाय 8 ऐड करो, बात क्या है, सेम है, ओके। आइए हम आपको करके दिखाते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर उसको करेंगे, ठीक। तो इसको करते हैं, देखो 8 और 7 का एलसीएम, 8 7 का 56, डायरेक्टली समझ में आ रहा है, आप निकाल के भी देख सकते हो। नाउ 56 को 8 से डिवाइड करोगे 7 आएगा, तो 7 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि माइनस 3 इंटू 7, और यहाँ पे बीच में जो साइन लगा है उसको लगा दो यहाँ पर, और 56 को डिवाइड करोगे 7 से 8 आएगा, सो 8 इंटू 1 है ना, या 1 इंटू 8, सो 1 इंटू 8। नाउ सॉल्व करिए, माइनस 3 इंटू 7, 3 7 जा 21, और ये वाला माइनस ऐसे ही आ जाएगा, ठीक, प्लस 1 इंटू 8, 8 अपॉन में क्या है 56 है। नौ बच्चों ध्यान दें प्लीज, यहां पे ध्यान दें बच्चे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, साइन लगेगा बड़े नंबर का, ओके, यानी कि 28 में से, सॉरी 21 में से 8 को माइनस करो, तो 21 में से 8 को माइनस करो, 11 माइनस 8 3, और यहां 1 13 आएगा, करेक्ट बच्चों, लेकिन साइन आएगा किसका, बड़े नंबर का, तो माइनस 13 आएगा, अपॉन में क्या, अपॉन में 56, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हो गया, तो इन दोनों को हमने ऐड किया, कितना आया हमारे पास, माइनस 13 बाय 56। अब देखते हैं कि सेकंड में अगर हम फर्स्ट को ऐड करते हैं तो क्या होता है, सेकंड में अगर हम फर्स्ट को ऐड करते हैं तो क्या होता है, ठीक। तो 1 बाय 7, अब ध्यान दें प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस 3 बाय 8, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान देंगे प्लीज सभी बच्चे, 7 8 का एलसीएम कितना आ गया 56, 56 को डिवाइड करोगे 7 से 8 आएगा, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 1 इंटू 8, फिर यहाँ पे बीच में जो साइन होता है उसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कॉपी कर लेंगे, 56 को डिवाइड करोगे 8 से 7 आएगा, यानी कि 3 इंटू 7, सो 3 इंटू 7, ठीक। अब ध्यान देंगे बच्चे सभी, 1 8 जा 8 माइनस 3 7 जा 21 अपॉन 56, प्लस माइनस माइनस, साइन लगेगा बड़े नंबर का, आएगा तो कितना भाई, 21 माइनस 8 13, और साइन लगेगा माइनस का, माइनस 13 अपॉन 56। तो देखा आपने 1 बाय 7 में माइनस 3 बाय 8 को ऐड करने पर भी उतना ही आया जितना कि माइनस 3 बाय 7 में 1 बाय 7 को ऐड करने पर आया था, ओके। सो आंसर इज व्हाट, माइनस 13 बाय 56, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने देखा बहुत सारे एग्जांपल्स लेके कि एडिशन इज कॉमिटेटिव ऑन व्हाट, ऑन रैशनल नंबर, बट सब्सट्रैक्शन इज नॉट कॉमिटेटिव ऑन रैशनल नंबर, ठीक है ना। अब हम देखने जा रहे हैं क्या सब्सट्रैक्शन इज नॉट कॉमिटेटिव ऑन रैशनल नंबर, ठीक है बच्चों। सो इसका भी मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे दूंगा, ठीक है, आपकी बुक से ही देंगे सब। चलो सो नेक्स्ट इज व्हाट, सब्ट्रैक्शन इज नॉट
कम्यूटेटिव. ओके, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव. करेक्ट स्टूडेंट्स. चलिए ठीक, तो आप अपनी बुक में देखिए बच्चों, एनसीईआरटी में पेज नंबर 6 पे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक रैशनल नंबर लिया 2 by 3 और सेकेंड रैशनल नंबर लिया क्या 5 by 4, है ना. तो इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ सेकेंड और यहाँ पे फर्स्ट 2 by 3, ठीक है. एक बार क्या किया उन्होंने, ध्यान से सुनिए, फर्स्ट वाले में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि 2 by 3 - 5 by 4 करेंगे, और एक बार सेकेंड वाले में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया 5 by 4 - 2 by 3, दोनों आपस में इक्वल नहीं आएंगे. आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक. सो 3 और 4 का एलसीएम 12, 12 को डिवाइड करोगे 3 से कितना आएगा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 into 4, फिर माइनस कॉपी करेंगे. अब 12 को डिवाइड करोगे 4 से 3 आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. सो यहाँ से आ जाएगा 2 4 8, ओके, माइनस 5 3 15 अपॉन क्या है 12 है. अब यहाँ से देखें बच्चे सभी, 8 के आगे कोई साइन नहीं, यानी कि प्लस है. प्लस माइनस क्या होता है, माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, 15 - 8 - 7 होता है, लेकिन साइन लगाएंगे 15 का, माइनस 7 बाय क्या आ गया 12. ये आ गया आपका, जब हमने 2 बाय 3 में से 5 बाय 4 को सब्ट्रैक्ट किया कितना आया माइनस 7 बाय 12 आया. ओके, यहाँ पे आ जाइए. अब हम 5 बाय 4 में से 2 बाय 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक. 4 और 3 का एलसीएम 12, 12 को डिवाइड करेंगे 4 से 3 आएगा, 5 into 3 करेंगे, फिर यहाँ बीच में जो साइन है कॉपी कर लेंगे, फिर 2 लिखेंगे into 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, यानी कि 2 into 4. ओके, चलिए देखते हैं कितना होगा बच्चों. यहाँ से 5 3 होता है 15 और माइनस 2 4 होता है 8 अपॉन में 12. अब देखिए 15 कैसा है, पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, यानी कि 15 - 8 + 7, यानी कि 7. ओके, तो कितना आ गया 7 by 12. करेक्ट, थोड़ा छोटा हो गया, एडजस्ट करना, ठीक है. सो जब हमने 5 by 4 - 2 by 3 किया तो कितना आया 7 by 12. बच्चों ध्यान से चेक करो, यहाँ क्या आ रहा था माइनस 7 by 12, लेकिन वहाँ क्या आ रहा है 7 by 12, नॉट इक्वल, आपस में इक्वल नहीं है. इसका मतलब कि आपने 2 by 3 - 5 by 4 किया और आपने 5 by 4 - 2 by 3 किया, ये आपस में इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल. तो इसलिए सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव. ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ बातें हैं, ठीक. और मैं एक दो एग्जांपल आपको, एक एग्जांपल बढ़िया देता हूँ अपनी तरफ से, जिसमें मैं क्या करूँगा, एक रैशनल नंबर तो बच्चों हम लेते हैं पॉजिटिव और दूसरा लेते हैं हम नेगेटिव, देखते हैं क्या होता है, ठीक. अभी तो इन्होंने दोनों पॉजिटिव लिए थे, फर्स्ट वाले में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना. अब हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर लेंगे और एक हम लेंगे क्या नेगेटिव. ओके, जैसे कि बच्चों मान लीजिए कि मैंने लिया 1 by 3, ये फर्स्ट रैशनल नंबर है, उसके बाद मैंने लिया 1 by 2 ले लो, है ना, 1 by 2, और सेकंड मैंने लिया, आपकी बुक से नहीं ले रहे हैं, बस जस्ट एक हिंट ले रहे हैं आपकी बुक से, है ना, सेकंड वाला लिया -3 by 5, ठीक. तो फर्स्ट में से अभी सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर सेकंड में से फर्स्ट को करेंगे, देखते हैं. अब देखो सेकंड को यहाँ कॉपी कर लो पहले, -3 by 5, और फिर फर्स्ट को कॉपी कर लो, ठीक, 1 by 2. ओके, चलिए करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि 1 by 2. ये वाले साइन से बच्चों कन्फ्यूज मत होना, हमें क्या करना है, इसको ब्रैकेट में लेना है. ओके, और फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ माइनस लगाएंगे, याद रखिएगा, ठीक. नाउ तो 1 by 2 में से माइनस कर रहे हो किसको, -3 by 5 को. ओके, देखते हैं क्या आता है. तो 1 by 2, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 3 by 5, ठीक. नाउ 5 और 2 का एलसीएम आता है 10, 10 को डिवाइड करोगे 2 से आएगा 5, यानी कि 1 into 5, और बीच में जो साइन है वो लगा देंगे, ठीक. नाउ 10 को डिवाइड करोगे 5 से कितना आएगा 2, और 3 into 2. ओके, सो यहाँ से आ जाएगा कितना, 1 into 5 होता है 5, प्लस 3 2 होता है 6 अपॉन में 10. ओके, नाउ 5 + 6 बच्चों होता है 11 अपॉन में 10, यानी कि जब आपने क्या किया, जब आपने बच्चों 1/2 -3/5, 1/2 में से जब आपने -3/5 को सब्ट्रैक्ट किया, सो आंसर आपका कितना आया 11/10. अब हम देखते हैं क्या, कि जब हम क्या करें, सेकंड वाले में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें, मतलब -3/5 में से हम 1/2 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होता है. तो -3/5 - 1/2, देखते हैं क्या होता है. 5 और 2 का एलसीएम आता है 10, ठीक. 10 को डिवाइड करोगे 5 से आएगा 2, -3 लिखा है ध्यान दें, तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में जो साइन है उसको कॉपी कर लेंगे, फिर 10 को डिवाइड करेंगे 2 से आएगा 5, तो 1 को हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे.
ओके सो यहीं पे करता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करना बच्चों, जगह की कमी है। 3 2 6 -6, ये वाला माइनस कॉपी करेंगे, ये वाला माइनस कॉपी कर लिया बीच वाला। 1 × 5 5 / 10, ओके नाउ अब ध्यान दें, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा किसका, बड़े नंबर का, ओके तो 6 + 5 क्या होता है 11 और साइन लगेगा 6 का, -11/10। चेक कर लो बच्चों, जब हमने -3/5 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना आ गया, -11/10। बच्चों देखा पिछली बार क्या आया था, 1/11/10, इस बार -11/10, तो बस साइन चेंज हो गया, इक्वल नहीं भाई, एक अलग नंबर है 11/10, -11/10 एक अलग नंबर है। यानी कि बच्चों जब हम 1/2 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया किसको, 1/2 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया -3/5 को, तो कुछ अलग आंसर आया यानी कि 11/10, और जब हमने -3/5 में से सब्ट्रैक्ट किया किसको, 1/2 को, तो कुछ अलग आंसर आया यानी कि -11/10। मींस दीज टू आर नॉट इक्वल, इसका मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव ऑन व्हाट, रैशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, इतने सारे एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, तो सारी बातें शायद आप सीख भी जा रहे होंगे। ओके, चैप्टर नंबर 1 है, बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए नाउ बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या कि मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर। ओके सो मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, तो यहां पे कोई भी टू रैशनल नंबर लेते हैं बच्चों, आपकी बुक से ही ले लेते हैं, पेज नंबर 6 पे फर्स्ट रैशनल नंबर लिया -7/3 और सेकेंड रैशनल नंबर लिया 6/5, फर्स्ट को सेकेंड से मल्टीप्लाई करो या सेकेंड को फर्स्ट से करो, बात क्या है, सेम है। ओके 6/5 × -7/3 करेंगे, आइए हम आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई लगाया, सॉल्व करते हैं इसको, कैसे करते हैं सर सॉल्व, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, चलिए आइए करते हैं। ठीक है बच्चों, सो देखते हैं क्या होता है, देखिए 7 × 6 होता है 42। अब देखो साइन का भी ध्यान रखना है, यहाँ माइनस है, 6 के आगे कुछ नहीं यानी कि प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है बच्चों माइनस प्लस, माइनस साइन बड़े या छोटे नंबर का नहीं देखेंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो मुंह में बोलने में जो साइन आता है वही लगा देते हैं। ओके यानी कि माइनस प्लस माइनस और 7 × 6 = 42 और अपॉन में 3 × 5 = क्या होता है 15। अब देखो कुछ बच्चों ने 3 को 6 से कैंसिल किया होगा, वो सब बात की बात है, वो सब आप छोड़ो, वो नहीं देखना अभी, आपको बस न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, 7 × 6 = 42 माइनस में आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस, नीचे देखो 3 भी प्लस का है 5 भी प्लस का है, तो प्लस 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 होता है, 3 × 5 = 15, 15 प्लस का आएगा, प्लस तो लगता नहीं इसलिए हमने नहीं लगाया। तो देखा आपने कि जब हमने -7/3 को 6/5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा क्या आया, -42/15, उसको देखते हैं क्या होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, 6/5 को -7/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, और ध्यान रखें यहाँ मल्टीप्लाई हो फिर माइनस हो तो इसको ब्रैकेट में रखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो, ध्यान दो 6 के आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, 7 के आगे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस बड़ा छोटा नहीं देखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मुंह में बोलने में जो साइन आ रहा है वही लगा देंगे, साइन की मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले करेंगे, ध्यान रखिएगा। सो प्लस माइनस माइनस और 6 × 7 = क्या होता है 42 और अपॉन में 5 × 3 = 15, खत्म बच्चों। चेक कर लो हमने क्या किया, हमने -7/3 को मल्टीप्लाई किया किससे, 6/5 से, या फिर हमने 6/5 को मल्टीप्लाई किया किससे, -7/3 से, बात क्या है, सेम है, इसका भी आंसर कितना आ रहा है -42/15 और इसका भी आंसर कितना आ रहा है -42/15। यानी कि बच्चों मल्टीप्लिकेशन इज कमेंटेटिव ऑन रैशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, एक और एग्जांपल इसने दिया हुआ है वो हम ले लेते हैं आपकी बुक में। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट रैशनल नंबर लिया -8/9 और सेकेंड रैशनल नंबर लिया -4/7। ओके फर्स्ट को सेकेंड से मल्टीप्लाई करो या फिर सेकेंड को फर्स्ट से करो, बात क्या है, सेम है। देखिए अब हमने सेकेंड पहले लिख लिया और फर्स्ट को हमने बाद में लिख लिया, अब हम क्या करेंगे, एक बार फर्स्ट को सेकेंड से यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ ब्रैकेट, और एक बार सेकेंड को फर्स्ट से यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ ब्रैकेट, करेक्ट। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बच्चों सबसे पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन करना है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। बच्चे बोलेंगे सर माइनस माइनस तो प्लस होता है लेकिन सर साइन लगेगा बड़े नंबर का, ना 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 ना, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, और
जो मुंह में बोलने में साइन आएगा वही लगा दोगे जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे, तब आप बड़ा छोटा नंबर नहीं देखोगे। मैं कई बार आपको रिपीट कर चुका हूं उस चैप्टर में। तो माइनस माइनस बच्चों होता है प्लस, तो प्लस आएगा 8 4 32, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को नीचे वाले से, 8 4 32 और नीचे देखो 9 7, यहां तो कोई साइन ही नहीं है, प्लस है यहां प्लस है, तो आंसर प्लस में ही आएगा ना। तो 9 7 63, ओके, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 32/63 आ गया। यहां पे देखिए बच्चों, ये माइनस फोर को माइनस फोर के साथ ऐसे याद रखना, यहां माइनस है यहां माइनस है, सो माइनस माइनस आंसर आएगा कैसे, प्लस में 4 8 क्या होता है 32 अपॉन में 7 9 कितना होता है 63, प्लस तो लिखा नहीं जाता है। तो आप बच्चों क्लियरली यहां से देख सकते हैं क्या कि हमने -8/9 इंटू -4/7 किया, या फिर हमने -4/7 इंटू -8/9 किया, बात क्या है सेम है। इसका भी आंसर कितना आ रहा है 32/63, और इसका भी आंसर कितना आ रहा है 32/63। तो यानी कि फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करो, सेकंड को फर्स्ट से फर्क नहीं पड़ता। ये एग्जांपल इसलिए लिया गया था, वो आपको ये बताना चाहते थे कि जब टू नेगेटिव रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है पॉजिटिव में, ठीक है। जब टू नेगेटिव रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है क्या, पॉजिटिव में, ओके बच्चों। सो इस तरीके से, ओके बच्चों, सो जनरली यू कैन से दैट व्हाट, कि अगर आपके पास कोई भी टू रैशनल नंबर है ए एंड बी, तो ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, बात क्या है सेम है, ओके बच्चों, ठीक है। सो बात करते हैं हम किसकी, डिवीजन की, ओके स्टूडेंट्स। सो डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव ऑन टू रैशनल नंबर्स, करेक्ट। आइए एग्जांपल देते हैं आपको, कोई भी टू रैशनल नंबर लोगे बच्चों, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो अलग बात होगी, और सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो एक अलग बात होगी, ठीक है ना। एग्जांपल लेते हैं बच्चों, फर्स्ट रैशनल नंबर ने लिया -5/7 और सेकंड -5/4 है, आपकी बुक से ही ले रहा हूं, है ना, ये फर्स्ट रैशनल नंबर है, आप कुछ भी ले सकते हो, और ये सेकंड रैशनल नंबर है, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे और एक बार सेकंड को डिवाइड करेंगे किससे, फर्स्ट से। सो आइए हम आपको दिखाते हैं बच्चों कैसे डिवाइड करते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड और यहां सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। अब इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां क्या है, डिवाइड का साइन है। क्या आप डिवाइड करना भूल गए बच्चों, कैसे करते हैं, जिनको नहीं आता है ध्यान रखें कैसे डिवाइड करते हैं, पता है, सुनो, फर्स्ट वाला नंबर आप ऐसे ही कॉपी कर लो, फिर ये जो डिवाइड लगा हुआ है इसको क्रॉस करो, मतलब डिवाइड की जगह क्रॉस लगाओ और इसको रेसिप्रोकल कर दो, सेकंड वाले को क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो, फर्स्ट वाला ऐसे ही रहेगा, डिवाइड की जगह क्रॉस, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, यानी कि 7 जाएगा ऊपर 3 आएगा नीचे, मतलब जो डिनोमिनेटर था न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर था डिनोमिनेटर बन जाएगा, ओके 7/3। यहाँ पे आइए, अच्छा उसको छोड़ो भी, इसको पहले कर लेते हैं ना। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, अब तो ये मल्टीप्लाई करने वाला ही क्वेश्चन बन गया है ना, -5 × यहाँ क्या है 7 के आगे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा, -5 7 35, ओके 35 -35 4 3 12, लो -35/12। यहाँ पे आइए बच्चों, डिवाइड कैसे करते हैं, फर्स्ट वाला नंबर ऐसे ही कॉपी करेंगे और डिवाइड की जगह हम क्या लगाएंगे, क्रॉस, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ध्यान रखें रेसिप्रोकल कर देंगे। अब बच्चे बोलेंगे सर सर ये माइनस साइन का क्या करें, सर जब भी आप रेसिप्रोकल करो ना डिवाइड करते टाइम, अगर माइनस लिखा हो उसको ऊपर ही रहने, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक, तो माइनस यहीं रहेगा, बस नंबर्स रेसिप्रोकल हो जाएंगे, 4 जाएगा ऊपर 5 आएगा नीचे, ठीक, माइनस को वहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ही। नाउ 3 के आगे प्लस है, पहले साइन की मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, ठीक, और 3 4 होता है 12 अपॉन में 7 5 35। बच्चों देखा आपने, जब हमने क्या किया, जब हमने -5/4 को डिवाइड किया किससे, 3/7 से, तो एक अलग आंसर आ रहा है -35/12, और जब हमने 3/7 को डिवाइड किया -5/4 से, तो एक अलग आंसर आ रहा है, वो है -12/35। दोनों आपस में इक्वल नहीं, एक अलग है ना। सो दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस, दीज आर नॉट इक्वल, अलग अलग आंसर आने हैं, यानी कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, ओके स्टूडेंट्स। तो इतना पढ़ने के बाद आई थिंक आप ये ट्राई दीज वाला टेबल खुद से फिल कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ओके। सो इसको नोट कर लीजिए इतना। नाउ स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी पेज नंबर 6 पे ट्राई दिस, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, कम्यूटेटिविटी हमें चेक करना है, ठीक है, डिफरेंट नंबर्स पर डिफरेंट ऑपरेटर्स के लिए, करेक्ट।
अगर ये वीडियो आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो बच्चों पिन कमेंट में रैशनल नंबर चैप्टर नंबर 1 पे जाइए और वीडियो नंबर 2 को देखिए, वहाँ हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और हमने वहाँ पर आपको बताया है कि एडिशन इज कमेटेटिव, सब्सट्रैक्शन इज नॉट कमेटेटिव, मल्टीप्लीकेशन इज कमेटेटिव, डिवीजन इज नॉट कमेटेटिव ऑन ऑल नंबर्स, कोई भी नंबर हो, रैशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर भी आइए हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए सबसे पहले लेते हैं हम किसको, रैशनल नंबर को, ठीक है ना। ये नंबर्स के नाम है रैशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ओके बच्चों। और प्लस का मतलब एडिशन, ठीक है, माइनस का मतलब सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई का हमने यहाँ सिंबल बना दिया और डिवीजन का हमने यहाँ सिंबल बना दिया, करेक्ट। तो सुनो, रैशनल नंबर पर एडिशन कमेटेटिव होता है, यस सर। मतलब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर हम टू रैशनल नंबर को ले लें, उनको ऐड करें, जैसे कि 1/2 और 3/2, ठीक है, फर्स्ट में सेकंड को ऐड करें या सेकंड में फर्स्ट को ऐड करें, बात क्या है, सेम है। इसका जो आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा, फर्स्ट में सेकंड को ऐड करो या सेकंड रैशनल नंबर में फर्स्ट को ऐड करो, बात क्या है, सेम है। इसलिए यहां पर यस लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब क्या कमेटेटिविटी रैशनल नंबर के सबसेक्शंस पे लागू होती है, जवाब है नहीं। क्यों सर, क्योंकि अगर हमने एक रैशनल नंबर लिया 1/2, ठीक है, और दूसरा लिया हमने 3/2, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो और सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, फर्स्ट रैशनल नंबर 1/2 था, सेकंड 3/2 था, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे और सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर अलग अलग आएगा। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो एक अलग बात है और सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो एक अलग बात है। तो आपने देखा सबसेक्शन इज नॉट कमेटेटिव ऑन रैशनल नंबर, हमने आपको पहले बताया, ठीक है। तो ये सबसेक्शन माइनस का मतलब सबसेक्शन, ठीक है ना, ये प्लस का मतलब क्या है, एडिशन है, लिख देता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं आपकी बुक में। माइनस का मतलब क्या है, सबट्रैक्शन है, ओके, और क्रॉस लगा है यानी कि क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, ओके, और डिवाइड का साइन लगाने के डिवीजन की बात वो कर रहा है, करेक्ट। तो आपने देखा क्या यहां पर हमें नो लिखना चाहिए क्योंकि सबसेक्शन पे कमेटेटिव नहीं है, ओके। नाउ मल्टीप्लीकेशन में यस लिखना चाहिए हमें, क्यों, देखो बच्चों अगर आप फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करो, है ना, 1/2 इंटू 3/2 करो या आप 3/2 इंटू 1/2 करो, दोनों के आंसर सेम आएंगे, चेक कर लो। 1 × 3 = 3, 2 × 4 = 4, 3 × 1 = 3 / 2 = 4, सो देखा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या कि मल्टीप्लीकेशन पर, मल्टीप्लीकेशन इज वॉट कमेटेटिव ऑन रैशनल नंबर। नाउ डिविजन्स की बात करें बच्चों, तो देखिए अगर फर्स्ट रैशनल नंबर को सेकंड से डिवाइड करो या सेकंड को फर्स्ट से, बात अलग अलग होती है। जैसे कि हमने लिया 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2, ये एक अलग बात है, और 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये एक अलग बात है, चेक कर लो, नॉट इक्वल टू आएगा। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, 1/2 डिवाइड करने का मतलब क्या होता है बच्चों, कि डिवाइड की जगह आप क्रॉस लगाओ, सेकंड वाले को रेसिप्रोकल कर दो, तो 2/3, है ना। यहाँ से देखिए 3/2 डिवाइड की जगह क्रॉस और इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, 2/1, करेक्ट। देख लो बच्चों, 1 × 2 = 2, 1 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, 2/6 आया, इज नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, ये 2/6 है, ये 6/2, नॉट इक्वल टू, ओके। यानी कि फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो एक अलग बात है और सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो एक अलग बात है। तो डिवीजन पर आंसर क्या आएगा, नो, ठीक है बच्चों। नाउ इंटीजर्स में देखिए, अगर हम टू इंटीजर को ऐड करें, ठीक है ना, तो फर्स्ट को सेकंड में ऐड करें या सेकंड को फर्स्ट में, बात क्या है, सेम है, ओके, बात क्या है, सेम है बच्चों। चेक कर लीजिए, कोई टू इंटीजर ले लीजिए, 6 ले लिया और -5, ठीक है, तो 6 में आप -5 को ऐड करो या -5 में आप 6 को ऐड करो, बात क्या है, सेम है, चेक कर लो। 6 ± −6 − 5 = −5 + 6, यस सर। कैसे, 6 − 5 = 1 होता है और माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, 6 − 5 = 1 और +1, यानी कि लेफ्ट भी +1 आया, राइट भी +1, ओके, यानी कि 1 आया दोनों तरफ, ठीक। तो यहाँ पर हमें यस लिखना चाहिए, मतलब फर्स्ट इंटीजर में सेकंड को ऐड करो या सेकंड इंटीजर में फर्स्ट को ऐड करो, बात क्या है, सेम है, ओके। अब बच्चों अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, तो सबसेक्शन पर जो सबसेक्शन है किसके लिए, इंटीजर्स के लिए, तो वो कमेटेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। कैसे, अगर हम मान लीजिए 6 लिया और हमने -5 लिया, तो 6 में आप -5 को सब्ट्रैक्ट करो, 6 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करो या -5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करो, बात अलग अलग है, चेक कर लो। -± + ठीक, −± + ये −11 और 6 + 5 = 11, लेफ्ट में 11, राइट में −11, ये आपस में इक्वल नहीं आ रहा है, ओके। सो यहाँ पर आंसर नो आना चाहिए सबसेक्शन में। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में आंसर यस आना चाहिए, क्यों, अगर हम बच्चों टू इंटीजर लेते हैं, जैसे कि 6 और −5, है ना, तो 6 × −5 करो या −5 × 6 करो, बात क्या है, सेम है, ±6 के आगे कुछ नहीं है, ±, −6 × 5 = 30, −30, और यहाँ देखो −+ −5 × 6 = 30, ठीक है। फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करो या सेकंड को फर्स्ट से, बात क्या है, सेम है। तो मल्टीप्लीकेशन पर यस कमेटेटिव होता है,
मतलब मल्टीप्लीकेशन इज कमेंटेटिव फॉर वॉट, फॉर इंटीजर्स। नाउ डिवीजन पे बच्चों नो लिखना है आपको, क्यों चेक कर लो, अगर हम टू इंटीजर ले रहे हैं ठीक है, जैसे कि हमने सिक्स लिया, सिक्स डिवाइडेड बाय माइनस फाइव करो या माइनस फाइव डिवाइडेड बाय सिक्स करो, बात अलग अलग है बच्चों, चेक कर लो। सिक्स ओके डिवाइडेड बाय का मतलब सिक्स अपॉन में माइनस फाइव इज नॉट इक्वल्स टू, ये क्या है माइनस फाइव बाय सिक्स, चेक कर लो, ये माइनस आप ऊपर भी लगा सकते हो ठीक, माइनस सिक्स बाय फाइव इज नॉट इक्वल्स टू माइनस फाइव बाय सिक्स, ठीक है। सिक्स को माइनस फाइव से डिवाइड किया माइनस सिक्स बाय फाइव आया, माइनस फाइव को सिक्स से डिवाइड किया माइनस फाइव बाय सिक्स, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, अलग अलग नंबर है, इसका मतलब हमें यहाँ पर नो लिखना चाहिए था। नो होल नंबर के लिए बच्चों टू होल नंबर को ऐड करोगे तो आपको होल नंबर ही मिलेगा, आप चेक कर सकते हो, जैसे कि वन और टू, वन में टू को ऐड करो या टू में वन को ऐड करो, बात क्या है सेम है ठीक। तो होल नंबर्स को टू ऐड करोगे मतलब फर्स्ट को सेकंड में या सेकंड को फर्स्ट में, तो आंसर सेम आएगा, सब्सट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट होल नंबर वन है सेकंड टू है, तो वन माइनस टू करो या टू माइनस वन करो, बात अलग अलग है, वन माइनस टू माइनस वन होता है और टू माइनस वन वन, वन इज नॉट इक्वल्स टू माइनस वन ठीक। सो यहां पर हमें नो लिखना है। उसके बाद अगर हम टू होल नंबर को लेकर मल्टीप्लाई करें, तो जैसे मान लो हमने टू ले लिया थ्री, टू इंटू थ्री करो या थ्री इंटू टू करो, बात क्या है सेम है, थ्री टू सिक्स, सॉरी टू थ्री सिक्स, थ्री टू सिक्स ठीक है। सो यहाँ पर आंसर यस आना चाहिए था, डिवीजन में वैलिड नहीं होगा कमेटेटिव रूल, क्यों, क्योंकि टू डिवाइडेड बाय थ्री एक अलग बात है और टू डिवाइडेड बाय थ्री एक अलग बात, नहीं थ्री डिवाइडेड बाय टू एक अलग बात है, चेक कर लो, टू को थ्री से डिवाइड करो या थ्री को टू से, भाई थ्री और टू क्या है होल नंबर है, टू को थ्री से डिवाइड करो या थ्री को टू से, ये आपस में इक्वल नहीं आता है, आप चेक कर सकते हो। टू डिवाइडेड बाय थ्री का मतलब टू बाय थ्री और थ्री डिवाइडेड बाय टू का मतलब थ्री बाय टू, विच आर नॉट इक्वल, ओके चेक कर लो, ये टू बाय थ्री है, थ्री बाय टू होंगे। सो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए था, नो। उसके बाद नेचुरल नंबर पे आइए, टू नेचुरल नंबर ले लो कोई भी बच्चों, वन और टू ले लो, वन प्लस टू, टू प्लस वन के इक्वल होता है, तो यस आएगा यहाँ पर ठीक। वन यहाँ पे नो आएगा क्योंकि वन और टू लिया, वन में से टू सब्ट्रैक्ट करो एक अलग बात है और टू में से वन सब्ट्रैक्ट करो एक अलग बात है, कोई भी टू नेचुरल नंबर लेके आप चेक कर सकते हो ठीक है। एट लिया, एट में हमने सेवन सब्ट्रैक्ट किया या सेवन में से हमने एट सब्ट्रैक्ट किया, इक्वल नहीं आएगा, एट माइनस सेवन तो वन होगा लेकिन सेवन माइनस एट माइनस वन होगा, ओके। सो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ओके बच्चों। सो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, सब्ट्रैक्शन में नो और मल्टीप्लीकेशन में येस, क्योंकि अगर हमने दो नेचुरल नंबर लिए बच्चों कोई भी, ओके लेट अस से एट एंड सेवन ठीक है, तो एट को सेवन से मल्टीप्लाई करो या सेवन को एट से, तो बात क्या है सेम है, एट सेवन जो फिफ्टी सिक्स और सेवन एट जो फिफ्टी सिक्स, करेक्ट। सो मल्टीप्लीकेशन पर, मल्टीप्लीकेशन इज कमेंटेटिव ऑन नेचुरल नंबर येस, और डिवीजन इज नॉट कमेंटेटिव, चेक कर लो। टू नेचुरल नंबर ले लो बच्चों, लेट अस से एट डिवाइडेड बाय सेवन करो या सेवन डिवाइडेड बाय एट करो, बात सेम नहीं है, 8 बाय 7 आएगा इसका आंसर, और इसका आंसर क्या आएगा 7 बाय 8 आएगा, चेक कर लीजिए, दीज टू आर नॉट इक्वल, ओके बच्चों। तो इस तरीके से हमने इस टेबल को भी कंप्लीट कर लिया है, और इसकी डिटेल अगर आपको जानना है तो पिन कमेंट में आप रैशनल नंबर चैप्टर नंबर 1 का वीडियो नंबर 2 देखें, अगर YouTube पे आप डायरेक्ट इस ट्राई दीज को आपने सर्च किया है। नाउ स्टूडेंट्स पेज नंबर 7 पे देखिए, नेक्स्ट आपको जो प्रॉपर्टी पढ़नी है वो एसोसिएटिविटी चेक करनी है डिफरेंट नंबर्स के लिए, तो इसका जो वीडियो है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिंड कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।